वचन 16 का 18 प्रभु के वचन में ऐसे लिखा है, प्रेयर गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन, ए हाउटी स्पिरिट बिफोर ए फॉल्ट। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। आमेन। यहां से आज हमारा खास विषय होगा, टॉपिक होगा, द डेंजर ऑफ स्पिरिचुअल प्राइड, गमान आत्मा का खतरा, गमान आत्मा का खतरा। आज यही हमारा खास विषय होगा। और यह आप लोगों के बच्चा में लिखा है, जीवा में गिरने से पहले, मुश्किल आने से पहले, पाप में जाने से पहले, दुख से मुश्किल आने से पहले गमान आता है बोल के यहाँ लिखा है। गमान भी बोल भी सकता होगा ना, अभिमान भी बोल सकता है। तो जो इंसान का अंदर में गमान ना अभिमान आता है तो डिस्ट्रक्शन, ये पाप दुख से मुश्किल आ जाता है बोल के यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है। इसलिए हमारा ईसाई जीवन में हम गमान ना अभिमान से हम बहुत होशियार होना बहुत ज़रूरी है। गमान आना बहुत ईजी होता है। जैसे मैं नेकटाई लेके आगे खड़ा हूँ, ऐसे नेकटाई मिल गया तो हमको गमान होना बहुत ईजी हो जाता है। क्यों लगता है मैं एक अच्छा इंसान, मैं अच्छा बंदा हूँ, इसलिए मैंने नेकटाई मिल गया, मैं आगे पुल पे खड़ा हूँ, मैं आगे खुशी में हूँ। ऐसे ईजी से हम गमान हो सकता है। हमारे पास में थोड़ा पैसा मिल गया, हमारे पास में जमीन है, घर है, गाड़ी है, बाइक नया मिल गया, अच्छा मोबाइल फोन मिल गया, तो हम गमान भी हो सकता है। इंसान में गमान होना बहुत ईजी होता है ना। मैंने बाबे कॉलेज जाके मैंने अच्छा पढ़ाई कर लिया, मेरा अच्छा डिग्री है, मैं प्रचार अच्छा करता हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, मैं अच्छा गीत गाता हूँ, बोल के हम गमान भी हो सकता है। और ऐसे होना बहुत ईजी है, लेकिन हमको जाना बहुत ज़रूरी है। गमान जो आता है तो हमको जाना चाहिए, आगे में हमारा जीवन खतरा है। हम इज़ेकियल चैप्टर 28 वर्स 17 में हम उसी आई पढ़ते हैं, तो यहाँ में लूसीफर के बारे में लिख रखा है। लूसीफर है एक स्वर्गदूत था, एंजल्स, वो स्वर्गदूत के अंदर में वो सबसे अच्छा फेमस सिंगर्स था, गाने वाला अगुआ था, ये बहुत फेमस है, बहुत पावरफुल है। खुदा ने इसको बहुत अधिकार दिया कि वो बहुत टैलेंटेड था, बहुत फेमस था, लेकिन अपना फेमस है, अपना टैलेंट से, अपना पद अधिकार से वो गमान आ गया, इसके अंदर में गमान आ गया। वो एक लूसीफर था, ये एक प्रभु का अच्छा आत्मा इसके अंदर में था, और ये प्रभु का एक आत्मा था, लेकिन जो आत्मा ने गमान को अंदर डालना दिया, गमान को अंदर में आना दिया, तो ये अच्छा आत्मा क्या हुआ, गमान का आत्मा को अंदर में आना दिया, तो ये ने गला आत्मा, पाप का आत्मा बन गया, और वो शैतान बन गया। खुदा ने स्वर्ग से इसको नीचे में गिरा दिया, वो आज क्या हो गया, शैतान बन गया। जैसे हमारा भी खुदा ने हमको अच्छा आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा दिया है हमको, अच्छा इंसान के लिए, अच्छा काम के लिए,
लेकिन जो खुदा ने हमको अच्छा आत्मा दिया, हम वो दरवाजा खुल के गमान का आत्मा डाल दिया तो, आना दिया तो, ये अच्छा आत्मा, गलत आत्मा, पाप आत्मा, शैतान का आत्मा बन जाएगा। इसलिए हमारे ईसाई जीवा में हम कभी भी गमान का आत्मा हमारा अंदर में, दिल में हो, दिमाग में हो, आना नहीं देना चाहिए। मैं एक बार आर्मी ऑफिसर कर्नल से बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया, पास्टर डीके, वो मुझे बोलते हैं फादर, बोलते हैं फादर डीके, आप अमीर होना चाहता है तो कभी भी आपको लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना है और कभी भी शो ऑफ गमान नहीं करना है। इफ यू टू बी रिच, डोंट चेंज योर लाइफस्टाइल। आप गमान होना है तो आपको लाइफस्टाइल चेंज मत करो, हम भी में ही रहो, बोला। लेकिन उन्हें बोला, दे दे यू चेंज योर लाइफस्टाइल, यू बिकम ए पोर। जो दिन से आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेगा, गमान स्टाइल, फैशन स्टैंडर्ड, जो दिन से शुरू करेगा, उस दिन से आप गिर जाएगा, गिरी बन जाएगा, बोल के उन्होंने मुझे बताया। जैसे हमारे ईसाई जीवा में, हमारा जीवा में प्रभु ने, खुदा ने कितना हमको आशीष दिया, हमारे जीवन कितना अच्छा हो रहा है, कितना सक्सेस हो रहा है, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद दे के नम्रता के साथ में हम चलना चाहिए। लेकिन जो दिन से हम, आज तो मैं ठीक हूँ, आज तो मैं, मेरा जीवन अच्छा हो गया, आज तो मैं बाइबल में मैंने बहुत कुछ मैंने सीख लिया, आज तो मैं अगुआ बन गया हूँ, आज तो मेरा पास में गाड़ी है, घर है, मैं लिखा पढ़ी हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, सब मुझे को मानता हूँ, मैं अच्छा चर्च में मैं गीत गाता हूँ, सबसे फेमस सिंगर तो मैं ही हूँ। जैसे हमारा अंदर में हम ऐसे गमान को आने के लिए दरवाजा खोल दिया तो उसी दिन से हम भी लूसीफर जैसे गिर जा सकता है। इसलिए हमारे ईसाई जीवा में हम हमेशा प्रभु के अधीन में, नम्रता में, हम्बल में हम चलना बहुत जरूरी है। यह लुका 18, हम 9 आय से 14 तो आय तब हम पढ़ के जाते हैं, तो यहाँ में फारसी और एक टैक्स कलेक्टर मतलब चुनी लेने वाला बंदा, फारसी और चुनी लेने वाला, दोनों का कहानी हमको मिलता है। चुनी लेने वाला बंदा, चुंकी लेने वाला बंदा प्रभु यीशु मसीह के पास में आके वो नम्रता करके, पछता करके, रू के प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं तो एक पापी इंसान हूँ, वो कि वो ऐसे करके नम्रता के सामने वो प्रार्थना कर रहा है। लेकिन फरीसी क्या कर रहे हैं, धन्यवाद खुदा, मैं तो वो चुंकी लेने वाला जैसे, मैं तो ऐसे पापी आदमी जैसे नहीं हूँ, मैं तो रोज दिन प्रार्थना करता हूँ 3 बार, मैं तो ताइत भी देता हूँ, इतना घमान से प्रार्थना कर रहा है। तो बाइबल में लिखा, खुदा ने फरीसी घमान वाला प्रार्थना को ग्रहण नहीं किया, लेकिन खुदा ने चुंकी लेने वाला, नम्रता का दिल, मन, आत्मा लेके प्रार्थना करने वाला प्रार्थना को ग्रहण किया बोल के बाइबल में लिखा है। इसलिए हमारा ईसाई जीवन में भी हम कितना प्रार्थना करते हैं, हम कितना पवित्र है, हम कितना राइचियस है, लेकिन हम उसी के लिए कभी भी हम गमा नहीं करना चाहिए, उसी के लिए हम कभी भी किसी का ईसाई जीवन नीचे नहीं देखना चाहिए, गलती नहीं देखना चाहिए, क्यों ये बाइबल अनुसार नहीं है। और यहाँ में लिखा है, Therefore, Jesus said to
guard against spiritual pride by remembering that salvation is by grace alone. इसलिए हमारा ईसाई जीवा में यीशु मसीह ने हमको याद दिला दिया, जो मुक्ति आपको दिया है ये by grace, प्रभु का अनुग्रह से हमको दिया है, बिना पैसा बिना कीमत हमको अनुग्रह में मिला है। जैसे हम कभी भी हमारा मुक्ति के लिए, हमारा ईसाई जीवन के लिए प्रभु का हरे वरदान आशीष के लिए हम कभी भी गमन नहीं करना चाहिए, बोल के बारे में हमको सिखाया है। और नित्य वचन 11:2-8 में लिखा हुआ है, When pride comes, then come disgrace. जो गमन आता है तो दुख सु मुश्किल निराश भी आता है, वो के यहाँ लिखा है। मिल गया तो आप ये भी पढ़ सकता है, नित्य वचन 11:2-8 में हम पढ़ सकता है, अभिमान होता है तो अपमान भी होता है, परंतु नरम लोग में बुद्धि होती है। इसलिए हम यहाँ में बहुत होशियार होना जरूरी है। और यहाँ नीति वचन 21:4 भी हम इसको भी समय पर लेता है, Amen. Haughty eyes and a proud heart, the unplowed field of the wicked produce sin. इसलिए हम कभी भी हमारा आँखें में किसी का जलान से हम नहीं देखना चाहिए, ना किसी का हमारा आँखें में किसी का नीचे भी नहीं देखना चाहिए, ना हमारा दिल में कभी भी किसी का गमान की तरह से हम इसको नहीं देखना चाहिए। हम ऐसे करेगा तो आगे में हमारा जीवा में दुख से मुश्किल आना है, हम गिरना है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, हम कभी भी हमारा आँखें में क्या होना नहीं होना चाहिए, गमान से नहीं देखना चाहिए, नीचे नहीं देखना चाहिए, ना जिलूसी के साथ महान किसी को भी हम नहीं देखना चाहिए, ना हमारा दिल में किसी का गमान से इसको भी हम दिल नहीं करना चाहिए। क्यों हम ऐसे करेगा तो हमको जाना चाहिए हमारा आगे में क्या लिखा है, क्या होने वाला है, ये खतरा होगा, ये हमारे के लिए अच्छा नहीं होगा, बुक के बारे में लिखा है। और अंतिम में जेम्स 4:6b, याकोब 4:6 मिल गया तो ये भी पढ़ दो, गॉड अपोजेस द प्राउड बट शो फेवर टू द हम्बल। हमें सूर्य एबा भी पढ़ दो बी पार्ट में परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दिलों पर अनुग्रह करता है। आमेन। ये प्रभु का वचन है, इसके लिए हम प्रभु का वचन जैसे हमने सुना है हम याद करके हमारा ईसाई जीवा में, हमारा जीवा में हम कभी भी गमान नहीं होना चाहिए, हमारा आँखें में कभी भी हम किसी को नीचे जलांग समय हम नहीं देखना चाहिए, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के सामने में
नम्रता हम्बल जीवन जिएगा तो प्रभु हमको ऊपर उठाएगा, हमको आशीष देगा। वो क्या प्रभु जीवित बच्चा में लिखा है, ये प्रभु वचन है, प्रभु हम सबको आशीष देगा।